अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने थ्रू JKSSB साइंस और मैथ टीचर के एग्ज़ाम्स दिए थे, आप जानते ही है कि OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स ने दिया था 21 अप्रैल 2018 को अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2017। तो अभी JKSSB की तरफ से प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आगे कि कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और एग्ज़ाम का डेट और टाइम क्या रहेगा, ठीक है। साथ ही में मैं आपको शॉर्ट लिस्ट भी शो करूँगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्होंने जो कश्मीर के कैंडिडेट्स है, डेट एंड वेन्यू इन्होंने रखा है JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जमजम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर, और टाइमिंग रखी है 10:30, ठीक है, 10:30 AM। एंड फॉर जम्मू JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पानामा चौक जम्मू, ठीक है, और टाइमिंग जो रखी है 8:30 AM रखी है। तो अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी रहेंगे, सबसे पहले कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जब आप जिस दिन आपने अप्लाई किया होगा तो आपके पास वो कॉपी पड़ी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, सबसे पहले आप उसे साथ उठाओगे। उसके बाद DOB सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर जो नोटिफिकेशन है उसके तहत। तो इन्होंने कहा है कि मज़ीद इसमें जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनके साथ लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो सर्टिफिकेट्स आपके पास है सब की आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ उठाओगे, ठीक है, यानी कि आप उनका ज़ेरॉक्स करोगे और उसके बाद खुद ही उनको अटेस्ट करोगे। जो कैंडिडेट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगा उसकी सिलेक्शन, ठीक है, उसे बिना किसी मज़ीद इंफॉर्मेशन के आउट किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं रहेगी। तो अब आते हैं हम शॉर्ट लिस्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का है, इसमें जो पहला सीरियल है फयाज़ अहमद भट्ट है, फादर्स नेम अब्दुल गनी भट्ट, ठीक है, कैटेगरी ओपन मेरिट, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का है, ठीक है। यहाँ पे डिसेबिलिटी वगैरह रिटन एग्जामिनेशन में इन्होंने जो स्कोर किया है 67% किया है, ठीक है, बीएड के 5 पॉइंट्स मिले हैं, एमएड के 5 एंड पीजी के 2 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल पॉइंट्स इनके जो बनते हैं वो बनते हैं 59 पॉइंट, ठीक है, 4583। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 अगस्त 2018 को डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इस कैंडिडेट के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ये शॉर्ट लिस्ट डाउनलोड करना चाहोगे तो वीडियो के नीचे आपको इस शॉर्ट लिस्ट की लिंक मिलेगी PDF फॉर्मेट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इजीली से इस शॉर्ट प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो और अपना स्कोर चेक कर सकते हो, ठीक है, अपनी परसेंटेज चेक कर सकते हो, साथ ही अपना एग्ज़ाम डेट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 6/7 को इन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रखा है, उसके बाद 8 को भी अनंतनाग का आता है बिकॉज कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, 9 को भी अनंतनाग का आता है। तो ये मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रखूँगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट का ये रहेगा, ये 1/7 है, आप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद चेक करना, ठीक है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हवाले से, ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज सब्सक्राइबर्स इस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।